आज बात करने वाले स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के रिलीज डेट के बारे में और साथ में इन्हें मेकर्स एंड नेटफ्लिक्स ने क्या कहा है एंड इसके स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में भी डिटेल मुझे मिला है और स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 कब तक आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोडक्शन कब तक स्टार्ट होने वाला है एंड शूटिंग वगैरह सब कुछ हम आपको डिटेल के साथ में हम बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले बात कर लेते हैं हम स्पिन ऑफ सीरीज की, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स से यूनिवर्स से ही बिलोंग करने वाला है ये सीरीज सब, जो कि ऐसे बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि एनिमेशन सीरीज ये आपको देखने को एक मिलेगा ही एंड जो मल्टीपल कैरेक्टर है स्ट्रेंजर थिंग्स में उसमें एक स्पिन ऑफ सीरीज बनने वाला है एंड अलग अलग कैरेक्टर पर अलग अलग एक स्टोरी के साथ आपको देखने को मिलेगा एंड कुछ लिमिटेड सीरीज रहेगा और आपको कुछ और भी आगे चलते कंटिन्यू फेस में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि आपको क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा सोच रहा है कि नंबर 1 और नंबर 11 का जो स्टोरी है बैक स्टोरी वो दिखाया जाए, अगर वो उसके ऊपर एक सीरीज बने तो काफी अच्छा रहेगा, मुझे और भी कनेक्शन उसमें फील करने को मिलेगा और कनेक्शन और अच्छा बिल्ड होगा हमारे साथ में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट में बताइएगा ओपिनियन। तो अब बात कर लेंगे हम प्रोडक्शन की। जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 जो है वो अभी प्रोडक्शन जो है स्टार्ट होने वाला है, जो कि जनवरी 2024 के अंदर में स्टार्ट होगा इसका शूटिंग, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट मैंने पढ़े उसके अनुसार यही बताया जा रहा है जनवरी मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। हम पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो एंड पोस्ट प्रोडक्शन जो है स्टार्ट होने का 2025 के अर्ली में स्टार्ट होगा एंड ये खत्म होगा जून से जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि जितने रिपोर्ट मैंने पढ़े हैं उसके अनुसार यही बताया जा रहा है। एंड साथ में अब एपिसोड की बात करें तो एपिसोड जितने इसमें 8 ही आपको एपिसोड देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें एक सिचुएशन है जो कि इसमें स्प्लिट करके आपको एपिसोड ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन मेकर्स ने कहा है कि स्प्लिट नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी जो होता है डिसीजन मैन वो नेटफ्लिक्स का रहता है, इस वजह से आपको जो एपिसोड है आपको स्प्लिट करके देखने को मिलेगा, दो भागों में देखने को मिलेगा। जो 5 एपिसोड है पहले आपको दिखाया जाएगा, फिर आपको ये स्प्लिट करके 3 एपिसोड बाद में दिखाया जाएगा, कुछ दिन वेट करने के बाद फिर ड्रॉप करके आपको दिखाया जाएगा। इससे नेटफ्लिक्स को पास में फायदा भी हुआ था, जिसके विचर सीरीज के साथ भी ऐसा किया गया था एक्सपेरिमेंट, इसलिए उनको फायदा मिला था नेटफ्लिक्स को, इसलिए फिर वही स्ट्रेटजी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जितने रिपोर्ट पढ़े ये भी वही बताया जा रहा है। एंड अब बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में। तो जैसे हमें पता चला है ये रिलीज डेट 2025 के आपको समर तक आपको देखने को मिलेगा, समर बोले तो आपको अगस्त से सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा एक्सपेक्टेड है रिलीज डेट। एंड जितने भी रिपोर्ट मैंने पढ़े सब कुछ आपको मैंने बता दिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट उधर मैं पोस्ट करते रहता हूँ जो भी अपडेट मुझे मिलता है, इसलिए जाके उधर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।